दोस्तों, इमीडिएट अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स इन दिल्ली एनसीआर स्कूल्स, पीजीटी, डीजीटी, पीआरटी, एनटीटी, यानी दिल्ली में और एनसीआर रीजन में कई स्कूलों में अपॉइंटमेंट की वैकेंसी आई है, जहां इमीडिएट बेसिस पर अपॉइंटमेंट होना है। तो इन रिक्रूटमेंट्स को हम देख लेते हैं और आप इनका फॉर्म भरिए और साथ में एग्जाम की भी तैयारी करिए। तो जल्दी से आज की वैकेंसीज देख लेते हैं। ये देखिए, सबसे जो पहली वैकेंसी है ये डीपीएस नोएडा से आई है, दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा से आई है, और ये ओरिजिनल वेबसाइट है डीपीएस नोएडा का। आप इसके वैकेंसी सेक्शन में जाइए तो ये पेज आपका खुलता है, डीपीएस नोएडा, और यहां वैकेंसीज की डिटेल्स दिए हुए हैं। Applications are invited from trained and experienced candidates with good academic record, excellent communication skills, and proficiency in co-curricular activities for the various posts. अब यहां पर देखिए, सबसे पहले पीजीटी का पोस्ट है। पीजीटी इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, कंप्यूटर्स, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन और लीगल स्टडीज। सो इन सभी सब्जेक्ट्स के अंदर डीपीएस नोएडा में पीजीटी की वैकेंसी है। इसके बाद टीजीटी की वैकेंसी है, ये आप देख सकते हैं। टीजीटी की वैकेंसी इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री ऑब्लिक सिविक्स, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस एंड वोकल म्यूजिक, इन सारे सब्जेक्ट्स में टीजीटी की आवश्यकता है। और इसके बाद पीआरटी का पोस्ट आता है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, संस्कृत, कंप्यूटर साइंस, काउंसलर, डांस, म्यूजिक, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स कोचेस की जरूरत है। तो ये तीनों वैकेंसीज प्रायः हर एक सब्जेक्ट में पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की जरूरत यहां पर में है। एक इंपॉर्टेंट नोट है यहां पर कि एप्लीकेशंस आर आल्सो इनवाइटेड फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड आईआईटीएंस टू टीच पीसीएम सब्जेक्ट्स टू क्लासेस 11 एंड 12 ऑन पार्ट टाइम बेसिस। यदि आप आईआईटीएन हैं, आपने यदि किसी भी आईआईटी से बीटेक एमटेक किया है, तो आप डीपीएस नोएडा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ा सकते हैं पार्ट टाइम बेसिस पर। आपके लिए यह वैकेंसी रेगुलर वैकेंसी नहीं होगी, लेकिन इन सारे सब्जेक्ट्स में पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की जो वैकेंसी है, ये परमानेंट वैकेंसी होगी। अब ये कहते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म इज अवेलेबल बिलो एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई फॉर द सेम। एक लिंक यहां नीचे दिया हुआ है। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि एप्लीकेशन इन अदर फॉर्मेट्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। जो एप्लीकेशन इन्होंने दी है वही आपको भरना है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। और जब आप अपने फॉर्म भरें तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्लियरली इंडिकेट द पोस्ट अप्लाइड फॉर। किस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं ये आप जरूर क्लैरिटी के साथ लिखें। और 200 रुपीज की फीस भी रखी गई है, जो कि आप डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर के रूप में बना सकते हैं। और ये डीपीएस नोएडा इन फेवर ऑफ डीपीएस नोएडा के नाम से बनाया जाएगा, जो कि नोएडा या दिल्ली में पेएबल हो सकता है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद डीडी कैन बी हैंडेड ओवर एट द स्कूल गेट, गेट नंबर 3, और सेंट बाय कुरियर और पोस्ट। यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का सिस्टम यहां नहीं है, ऑफलाइन फॉर्म भरना है। आप या तो
डीपीएस नोएडा जाकर के वहां आप गेट नंबर 3 के गेट पर हैंडओवर कर सकते हैं अपना फॉर्म, या फिर आप कूरियर से या स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ₹200 का आपको फी भी जरूर देना है। एक खास बात यह है कि कैंडिडेट्स ज्यादा होने की स्थिति में ये शॉर्टलिस्ट करेंगे कैंडिडेट्स को, और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आपको 7 दिन के अंदर अप्लाई कर देना चाहिए। अब मैं आपको वो फॉर्म दिखा देता हूं जो आपको भरना है। ये आप देख सकते हैं, ये है फॉर्म डीपीएस सेक्टर 30 नोएडा का है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, क्लियरली आप यहां लिखें कि किस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं। नेम यहां लिखें, और मेरी आपको सलाह रहेगी कि आप इसको कैपिटल लेटर में भरें। यहां फॉर्म अपने फोटो लगाएं, डेट ऑफ बर्थ एज जरूर कैलकुलेट करें इयर्स एंड मंथ्स में, नेशनलिटी रिलीजन और मैरिज मैरिड जो स्टेटस है आपका, सिंगल है या मैरिड है वो लिखें, परमानेंट होम टाउन कहाँ है उसका एड्रेस लिखें, प्रेजेंट एड्रेस जो है वो लिखें, टेलीफोन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर लिखें, उसके बाद फादर्स नेम या स्पाउस नेम लिखें, डिजिग्नेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इफ वर्किंग, यदि आप काम कर रहे हैं तो उसका आप विवरण यहां दें, और फिर यहां पर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ स्पॉज लिखें, आपके हस्बैंड या वाइफ क्या करते हैं, उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको यहां लिखना है, आपके कितने बच्चे हैं उनका यहां आपको लिखना है पर्टिकुलर, क्योंकि कई बार डीपीएस में ये सुविधा होती है कि अपने टीचर्स के बच्चों को वो अपने यहाँ ही पढ़ने की सुविधा देते हैं, कम से कम 2 बच्चों को पढ़ने की सुविधा तो देते ही हैं। इसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशंस आप यहां पर में लिख दें, फिर टोटल एक्सपीरियंस कैलकुलेट कर लें इयर्स एंड मंथ्स में वो लिख दें, और एक्सपीरियंस कहाँ कहाँ से आपने लिया है वो आप यहाँ भर दें। उसके बाद डिटेल्स ऑफ समर ट्रेनिंग वर्कशॉप्स अगर आपने किया है या कोर्स आपने अलग से कुछ किया है तो उसका विवरण यहाँ दे दें। लास्ट अपॉइंटमेंट आपकी कब हुई थी, आपने कब छोड़ा था, क्यों छोड़ा था, आपकी सैलरी कितनी थी, वो सब आप यहाँ लिख दें। किसी फॉरेन लैंग्वेज की अगर आपको जानकारी है तो वो जरूर लिखें, अंग्रेजी के अलावा ऑफकोर्स, क्योंकि भारत में खास करके डीपीएस में जब आप जाते हैं तो आपसे आशा की जाती है कि अंग्रेजी आप जरूर बोलेंगे, और फॉरेन ट्रैवल अगर आपने किया है तो उसका डिटेल यहाँ डालें, कोई गेम्स आप खेलते हैं तो आप यहाँ डाल सकते हैं, कंप्यूटर लिटरेसी आपके पास है क्या तो यहाँ डालिए, और इस तरह से आप नेम एड्रेस टेलीफोन नंबर ऑफ 2 रेफरीज, ये ध्यान रखिए ये रेफरी आपके ऐसे होने चाहिए जो आपके बारे में अच्छी बात बोले, अगर उनको फोन किया जाए या उनसे पूछा जाए कि भाई आपके बारे में क्या विचार है तो वो अच्छी बातें आपके बारे में करने चाहिए, ऐसे 2 रेफरी के नाम और टेलीफोन नंबर और एड्रेस जरूर दें, और एग्जैक्ट पीरियड आफ्टर विच यू कैन ज्वाइन इफ सिलेक्टेड, यदि आपका सिलेक्शन होता है तो कितने दिनों में आप ज्वाइन कर लेंगे वो यहाँ लिखें, और अगर कोई और रिमार्क्स आपको डालना हो तो आप यहाँ लिख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ सिग्नेचर और नाम जरूर लिखें। तो ये इसका फॉर्म था, अब बढ़ते हैं और अगले स्कूल की तरफ चलते हैं और वहां की वैकेंसी देखते हैं कि इमीडिएट बेसिस पे कौन से अपॉइंटमेंट की वैकेंसी है। ये देखिए, ये सलवान पब्लिक स्कूल ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद, यहाँ की ये वैकेंसी है, और ये आप देख सकते हैं इसका जो वैकेंसी सेक्शन है, यहाँ आप जब जाते हैं तो ये आपको फॉर्म मिलते हैं जिसमें कि आपको पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन और पीजीटी पॉल साइंस की वैकेंसी है, ये पार्ट टाइम बेसिस पर है। टीजीटी और पीआरटी जिसको असिस्टेंट टीचर कहते हैं उसकी भी जरूरत है, साइंस इंग्लिश सोशल साइंस में, और सोशल साइंस में प्रेफरेबली ज्योग्राफी पढ़ाने वाले टीचर की जरूरत इनको है। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर म्यूजिक टीचर की आवश्यकता है, और केमिस्ट्री और बायो लैब के लिए इनको लैब असिस्टेंट की भी जरूरत है। तो ये एप्लीकेशन आपका सलवान पब्लिक स्कूल के लिए है, ये यहाँ कहते हैं क्लिक हियर टू अप्लाई, ये देखिए हमने यहाँ पर मैं क्लिक किया और एक ये फॉर्म यहाँ पर मैं आ गया, ये कहते हैं कि जहां पे ये स्टार है वो फील्ड्स मैंडेटरी हैं, और इन सबको करने के बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म को देख लें, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी, यहाँ जो जो चीजें आप देख रहे हैं इसको आप नोट कर लें, क्योंकि इन सब चीजों को आप रेडी रख लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी फॉर्म भरने में। ये यहाँ खत्म नहीं होता है,
यहां आपको फिर एक बार नेक्स्ट करना पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट करने के लिए जरूरी है कि ये वाला सारा पोर्शन पहले आप भरेंगे, तो इस तरह से अगला अगला खुलता जाएगा और बाद में आपको सबमिशन के लिए कहा जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये वाला फॉर्म जो है आप ऑनलाइन भर सकते हैं, इसके लिए आपको ऑफलाइन भेजने की जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट वैकेंसीज थे जहां पर रिक्रूटमेंट होने हैं, आप जल्दी से इन फॉर्म्स को भर दीजिए और अपने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।